Welcome to first session of Digital Electronics. In this session, we'll discuss about different type of number system. In this session, we'll discuss about the characteristics of number system, and we'll discuss about what different type of number systems are. We'll discuss about weighted codes, and in next sessions, we'll discuss about non-weighted codes. So let's start with number system. क्वेश्चन अराइज होता है, ज़रूरत क्या पड़ी, हमारे पास सिग्नल्स थे तो, और जो सिग्नल्स थे उनके अंदर ज़ीरो से इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज़ होती थी, यानी हमारा पूरा एलजेब्रा उस पर फॉलो होता था. देन व्हाई वी हैव शिफ्टेड टू डिजिटल सिग्नल, एंड सेकेंडली एनालॉग सिग्नल के अंदर जो है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ थी, डिजिटल सिग्नल के अंदर तो वो लिमिटेशन हो जाती है, द काउंट गोज टू अ फाइनाइट वैल्यू. देन व्हाई वी हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स अ लिमिटेड टाइप ऑफ सिग्नल, व्हाई नॉट एनालॉग सिग्नल. देखिए, अगर बात करें एनालॉग सिग्नल की, इट इज़ एनालॉगस टू एनी नेचुरल इनपुट. एंड व्हाट एक्चुअली इट इज़ कि जो नॉइज होती है वो भी नेचुरल इनपुट होती है. ठीक है, हम इसको डिजिटल अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो वो नेचुरल से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें नॉइज ऐड होने की संभावनाएं कम हो जाती है. ठीक है, नाउ थोड़ा इस पे कंसाइज होकर के हम आगे बढ़ते हैं. हम डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम्स की बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिजिटल सिस्टम्स के अंदर नंबर काउंट ऑफ डिजिट्स जो है वो फिक्स हो गया है. एंड इनिशियली एक्चुअली हमने फाइंड आउट किया कि जो हम 10 डिजिट के नंबर इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि हम डेसिमल नंबर बोलते हैं, ये काफ़ी कुछ उसके जैसा ही है. यहाँ पे हम एक वायर के ऊपर या तो करंट रख सकते हैं या हटा सकते हैं, वी डोंट हैव अ पॉसिबिलिटी टू मेज़र दैट वैल्यू. ठीक है, और हमारा कोई कंसर्न नहीं है उस वैल्यू से. ठीक है, सो इस वजह से डिफरेंट टाइप के आपके फाइनाइट स्टेट नंबर्स की जेनरेशन हुई, और इसमें हम बाइनरी नंबर्स, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई एक्चुअली दीज थिंग्स आर. होता क्या है कि जब हम नंबर्स को स्टोर करते हैं, या हम जब कभी भी वायर पे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास या तो करंट होती है या नहीं होती है. ठीक है, विदाउट मेजरिंग वी कैन नो दैट व्हाट एक्चुअली इज द वैल्यू सेंट. ठीक है, सो नंबर सिस्टम्स का यहाँ से शुरुआत होता है. लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट एक्चुअली इज द नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम क्या होता है कि नंबर्स के पोजिशनल वैल्यू के हिसाब से अगर उनको एक स्पेसिफिक पोजिशनल वेट दिया जाए, यानी पोजिशनल पोजिशन के हिसाब से उसको वेट्स दे करके हम डिफाइन करें कि हाँ, चार पांच डिजिट्स मिला करके ये नंबर बनता है, देन दैट काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड अ नंबर सिस्टम. ठीक है, किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी, इसके हिसाब से उसके उसकी क्वालिटीज़ तय की जाती हैं, दैट हाउ लार्जर दैट नंबर शुड बी. ठीक है, ऑल्दो नंबर ऑफ डिजिट्स जो होती हैं इसको हम बेस या रेडिक्स बोलते हैं. ठीक है, और दूसरी बात कि छोटी बेस हो या बड़ी बेस हो, नंबर सारे लिखे जा सकते हैं सभी तरीके के बेसिस के अंदर. ठीक है, सो बेस क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ डिजिट्स दैट कैन बी यूज्ड इन अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ नंबर सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, बेस टू का अगर नंबर है तो उसमें ज़ीरो और वन इस्तेमाल होंगे, यानी दो डिजिट्स इस्तेमाल होंगी. ठीक है, अगर बेस एट का नंबर है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस्तेमाल होंगे. कल को हो सकता है कि कोई नई बेस जनरेट हो जाए. सपोज़ किसी के दिमाग में आया कि मैं तो तीन ही तरीके के सिंबल्स इस्तेमाल करूँगा, तो इन दैट केस 0, 1 एंड 2 वो तीन चीज़ें यूज़ करेगा. ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि पोजीशंस किस हिसाब से होती हैं, तो लेफ्ट मोस्ट
लेफ्ट मोस्ट पोजीशन जो आपकी होती है इसको हम हाईएस्ट पोजीशन मान करके चलते हैं, और जैसे जैसे आप राइट को बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पोजिशनल वेट रेडिक्स के बराबर या बेस के बराबर कम होता चला जाता है। ठीक है, दैट मीन्स जो फर्स्ट डिजिट है अगर उसकी पोजिशनल वेट सपोज 100 थी, बेस 10 का नंबर है, तो जो सेकेंड डिजिट होगी उसकी पोजिशनल वेट 10 होगी, जो थर्ड डिजिट होगी उसकी पोजिशनल वेट 1 होगी। ठीक है, अगर पॉइंट कहीं आता है तो पॉइंट के ठीक बगल वाला यानी पॉइंट के ठीक राइट साइड में जो नंबर होता है उसकी पोजिशनल वेट 1 होती है, और उससे अगर आप राइट को बढ़ते हैं तो 2 टाइम्स डिक्रीज होती चली जाती है पोजिशनल वैल्यू, और अगर लेफ्ट को बढ़ते हैं तो वो 2 टाइम्स बढ़ती चली जाती है, सॉरी बेस टाइम्स बढ़ती जाती है। फॉर एग्जांपल अगर बेस 2 का नंबर है तो 2 टाइम्स बढ़ेगा, बेस 10 का नंबर है तो 10 टाइम्स बढ़ेगा। ठीक है, नाउ अगर किसी नंबर सिस्टम के की बात करें तो उसकी डायरेक्ट डेफिनेशन हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑर्डर्ड सेट जिसके सभी मेंबर्स को हम डिजिट्स बोलते हैं, एंड यू कैन हैव अ मैथमेटिकल डेफिनेशन लाइक दिस की ये एक ऑर्डर्ड सेट है, तो इसके सीक्वेंस से भी डिफाइन होता है कि हाँ ये वेदर द नंबर इज सेम और डिफरेंट। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक। कुछ नंबर्स के अंदर यहाँ पे डॉट आता है, दिस डॉट इज एक्चुअली सिग्निफाइंग अबाउट रेडिक्स पॉइंट। ठीक है, रेडिक्स पॉइंट के ठीक लेफ्ट के तरफ जो नंबर होता है दैट नंबर हैज यूनिट वैल्यू। ठीक है, और इसके जैसे जैसे आप लेफ्ट को जाएंगे वैल्यू आपकी जो है पोजिशनल वैल्यू रेडिक्स टाइम्स बढ़ती चली जाएगी, और अगर इधर राइट को जाएंगे तो ये फ्रैक्शनल में इसकी वैल्यू आती चली जाएगी। ठीक है, नाउ स्पेसिफिकली अगर हम कुछ नंबर सिस्टम्स को डिफाइन करें तो वी हैव बेस 2 नंबर सिस्टम जिसको हम बाइनरी बोलते हैं, वी हैव बेस 8 नंबर जिसको हम ऑक्टल बोलते हैं, वी हैव बेस 10 नंबर वी कॉल इट डेसिमल, एंड वी हैव बेस 16 नंबर दैट वी कॉल एज हेक्साडेसिमल। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट हाउ डेसिमल नंबर सिस्टम वी राइट, यू कैन सी हियर दिस इज द पॉइंट, पॉइंट के इधर बेस पावर 0, बेस पावर 1, बेस पावर 2 एंड सो ऑन। सो द प्लेस वैल्यूज आर 1, 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। इसी तरीके से पॉइंट के अगर राइट की तरफ बढ़ें, हियर यू इट इज़ बेस पावर -10, -100 एंड सॉरी 10 पावर -1, 10 पावर -2, 10 पावर -3। हियर यू फाइंड 0.1, 0.01 एंड 0.001 एंड अकॉर्डिंगली। ओके, नाउ इन बेस 2 और बाइनरी नंबर सिस्टम you will find everything in the same manner, that means here it is 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, 2 power 4 and so on, that is 1, 2, 4, 8, 16, 32 and so on। इसी तरीके से अगर आप राइट को मूव करते हैं तो 2 power minus 1 that is 0.5, 2 power minus 2 that is 0.25 and 2 power minus 3 that is 0.125 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप राइट को बढ़ते हैं तो पोजिशनल वेट बेस टाइम्स डिवाइड होता चलता है, और लेफ्ट को बढ़ते हैं तो वो बेस से मल्टीप्लाई होता चलता है। बेस 8 की बात करें तो वी हैव अगेन द सेम थिंग, हियर द पावर्स आर ऑफ 8, सो यू कैन फाइंड एवरीथिंग इन द सिमिलर मैनर, एंड फॉर बेस 16 द पावर्स आर ऑफ 16। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट कन्वर्जन्स, एंड बिफोर वी गो फॉर कन्वर्जन लेट्स हैव अ लुक एट द नंबर सिस्टम्स एंड लेट्स हैव अ कंपैरेटिव लुक ऑन द नंबर सिस्टम।
आई एम राइटिंग डेसिमल नंबर, ओके, हियर आई एम राइटिंग बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, ओके, जीरो, here you find this one. Okay, here what I am doing is I am looking for some numbers just see here जो आपका बेस 10 का नंबर है इसकी वैल्यू जब 1 थी बेस 2 वाला बेस 8 वाला और बेस 16 वाला तीनों ही 1 थे लेटर ऑन जस्ट सी इन अकॉर्डेंस विद दिस वन हियर यू फाइंड 10 क्योंकि इसके पास दो ही डिजिट्स थी सो इट हैज़ टू टेक द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिजिट्स नाउ सो इट इज़ 10 देन 11 देन 100 101 110 111 देन 100 एंड सो ऑन यू कैन फाइंड हियर नाउ कम टू दिस वन यहाँ पे 7 तक इसके पास डिजिट्स थी 7 के बाद 10 आया क्यों क्योंकि डिजिट्स खत्म हो गई तो दो दो का कॉम्बिनेशन ले लिया भाई बेस 10 में भी तो हम यही करते हैं ना 9 के बाद डिजिट्स खत्म हो जाती हैं तो दो दो का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं ठीक है सो यहाँ 7 पे ही ख़त्म हो गया तो हमने दो दो का कॉम्बिनेशन ले लिए फिर जब ये दो दो वाले ख़त्म हो जाएंगे तो तीन तीन का कॉम्बिनेशन लेंगे नाउ इन हेक्साडेसिमल अगेन हियर यू फाइंड वी हैव 15 डिजिट्स 0 to 9 एंड दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन ए इज 10 बी इज 11 सी इज 12 एंड सो ऑन अप टू एफ ठीक है एफ के बाद डिजिट्स खत्म हो गई तो दो दो का कॉम्बिनेशन आया ओके नाउ दिस चार्ट कैन हेल्प अस इन कैलकुलेटिंग द रेस्पेक्टिव इक्विवेलेंस बट देर इज वन स्मॉल प्रॉब्लम क्या हमें किसी भी नंबर से किसी भी नंबर तक के वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी यानी कोई भी नंबर बेस 10 से अगर मुझे बेस 2 में कन्वर्ट करना हो या बेस 10 से बेस 8 में कन्वर्ट करना हो या वाइस वर्सा तो क्या मुझे वहाँ तक ये टेबल बनानी पड़ेगी नो अगर ऐसा होता तो इट विल बी अ वेरी ह्यूज टास्क देन व्हाट वी हैव टू डू लेट्स टेक एन एग्जांपल आई वांट टू कन्वर्ट अ लार्ज नंबर इनटू बेस 2 ओके आई एम टेकिंग अ लार्ज नंबर दिस इज जस्ट फॉर बिकॉज हमें अंदाजन वहाँ तक गिनती लिखने का ऑप्शन ना रहे ठीक है सो व्हाट आई हैव टेकन इज 2012 दैट इज़ द करेंट ईयर ओके नाउ आई एम डिवाइडिंग इट बाय 2 बिकॉज आई वांट टू कन्वर्ट इट टू बेस 2 ठीक है जो भी रिमाइंडर आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा और जो भी कोशियंट आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा ठीक है सो लेट्स चेक द रिमाइंडर ओके नाउ चेक द क्वोशिएंट आल्सो नाउ व्हाट हैपेंस We have found some quotient and some remainder. Okay. Now repeat it again and again. Question उठता है कब तक repeat करना है
जब तक कि कोशेंट की वैल्यू जीरो ना आ जाए, ठीक है। सो यू कैन सी हियर व्हाट हैपेंस, हमने जितनी बार डिवाइड किया रिमाइंडर हमारा वन या जीरो बचा, ठीक है, और हमने कोशेंट को यहाँ मार्क किया हुआ है। नाउ राइट दिस नंबर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ओके, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप अगर इस नंबर को लिखते हैं तो यू विल गेट हियर 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0, ओके। दैट इज C11, this one is C10. Put a dollar before C, okay, and accordingly you will find here C9, C8. So this one is 2012 in base 2, okay. Here you can see it's a very big number, 5 times 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, okay. Question उठता है base 8 और 16 क्यों लाए थे, base 2 तो हमें समझ में आ गया कि वायर को या तो उस पर करंट रहनी है या नहीं रहनी है, ठीक है, बट बेस 8 और 16 लाने की क्या ज़रूरत थी। Base 8 and base 16 were used just to shorten this length. कितना बड़ा नंबर अगर आपको याद रखने को कह दिया जाए it becomes very difficult, ठीक है। अगर यही तीन तीन बाइनरी डिजिट्स के कॉम्बिनेशन आपको कहे जाए याद रखो 0 1 1 0 0 1 no sorry 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 and 0 1 1, तो आप आराम से याद रख पाएंगे, ठीक है। बेस 8 के अंदर क्या होता है, बाइनरी के तीन डिजिट्स के कॉम्बिनेशन ऑक्टल के बेसिकली सिंगल डिजिट के इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। आप कहेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज 8 is 2 power 3, ठीक है। हम अगर बेस 4 लेते तो दो दो डिजिट के कॉम्बिनेशन के बराबर बेस 4 होता, ठीक है, बट उससे हमारा कोई पर्पस नहीं सॉल्व होता। बेस 8 में क्या है, सफिशिएंट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं। हियर यू सी इफ यू कन्वर्ट इट इनटू 3 इक्विवेलेंट डिजिट्स, एंड देन आफ्टर इफ यू कन्वर्ट इट इनटू 6 इक्विवेलेंट डिजिट्स, then you will find that it is, जहां भी इसमें वन है ऑक्टल के अंदर, जहां भी वन है बाइनरी के अंदर क्या है उसकी जगह पे 001,
ठीक है, चाहे वो 1 0 का 1 हो। सो इस वाले 1 के बदले यहाँ पे 0 0 1 है, इस वाले 0 के बदले यहाँ पे 0 0 0 है, ठीक है। सो यू कैन सी फॉर ईच 3 डिजिट कॉम्बिनेशन यू हैव 1 कॉम्बिनेशन अवेलेबल इन बेस 8। ओके, सो नंबर को हमने बेस 8 में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं अगर यहाँ से सपोज 3734 से चाहूँ कि बेस 2 का नंबर निकाला जाए, तो जस्ट सी व्हाट वी हैव टू डू। हियर इट इज 011, हियर इट इज 111, 011, देन 100। So you can see here, it is the same number that we have calculated earlier. Okay, let's check. यहाँ 2 रख करके देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। And you can find 5 times 1, that is 2 plus 3, 5 times 1, then 0, then 2, 3 times 1, here then 0, then 2 times and 1 times 1, then 2 times 0. It's the same number. Okay? So in this way we can convert octal number into binary numbers as well as binary number into octal number also. In next part of this session we'll discuss about hexadecimal numbers, how we can convert them into binary or decimal, and how we can convert decimal numbers into hexadecimal also. We'll discuss about the decimal part of the number also. Okay.